सेलिब्रिटीज अपनी लाइफस्टाइल को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती हैं और लाइफस्टाइल उनकी वक्त के साथ जब बदल जाती है तो खुशी इस बात की होती है कि दुख की घड़ी से भी वो एक्ट्रेस स्ट्रांग होकर बाहर निकली। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। इस वक्त अपनी जिंदगी में आए बदलाव को लेकर खुशियाँ बटोर रही एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को लेकर। वेब सीरीज की दुनिया में एक पहली बार कदम रखने जा रही हैं करिश्मा, जिन्होंने इससे पहले बॉलीवुड में तो काम किया, शादी हुई, शादी के बाद मदरहुड एंजॉय करते हुए करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड को अलविदा करना चाहा। दोबारा वो लौटी फिल्म डेंजरस इश्क के जरिए, लेकिन करियर फ्लॉप हुई तो फिल्म भी फ्लॉप रही, जिसके बाद करिश्मा कपूर को तलाक के 4 साल बाद अब फाइनली मिला है मौका दोबारा स्क्रीन पर एक एक्ट्रेस का जादू बिखेरने का, जिसके लिए करिश्मा कपूर तैयार तो पूरी तरह से है। लेकिन क्या आपको मालूम है, आज जो करिश्मा के चेहरे पर आप खुशी देख रहे हैं, उस खुशी को पाने के लिए करिश्मा ने किस तरह से स्ट्रगल किया। आज़ाद जिंदगी आज एक मदरहुड एंजॉय करती हुई एक्ट्रेस के सेल्फ डिपेंडेंट होने के पीछे उनका वो दर्द छिपा है जिसने हमेशा अपने दर्द को खुद तक सीमित रखा। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुआ दर्द झेलना तो करिश्मा ने लिया फैसला, अब वक्त है आगे बढ़ने का, अपने लिए कदम बढ़ाने का। बात कर रहे हैं हम उनके तलाक से पहले उनके एक्स हस्बैंड संजय कपूर के इस रवैये के बारे में, जिसकी वजह से करिश्मा प्रेगनेंसी के टाइम पे ही दर्द झेल रही थी। जी हाँ, बेटे की आन को जन्म देने वाली थी करिश्मा और अपनी सासू माँ और संजय के ऐसे व्यवहार को झेलती रही थी वो। आइए जानते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड में कॉन्ट्रोवर्शी क्वीन करिश्मा कपूर को भी कहा जाता है, जिनकी मैरिजल लाइफ काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शी से घिरी रही। करिश्मा अपने मैरिटल लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाई। शादी के कुछ ही सालों बाद उनके हस्बैंड के साथ उनकी लड़ाई झगड़ों के सिलसिले जब शुरू हुए तो वो सिलसिला ना थमा, ना तो उस सिलसिले को ख़त्म कर पाई करिश्मा। आखिर में तलाक का मुहर साल 2016 में अपने रिश्ते पर लगवा कर करिश्मा हो गई उस रिश्ते से आज़ाद, जिसमें दर्द के सिवा करिश्मा को कुछ भी नहीं मिला। आज हम आपको बताना चाहेंगे करिश्मा जो मेंटल हुड में एक माँ के किरदार के लिए बहुत खुश नजर आती हैं, उस माँ को एकता कपूर ने क्यों चुना था अपने वेब सीरीज के लिए। तो आपको बता दें, करिश्मा ने इस बारे में जानकारी दी थी कि करिश्मा एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने मदरहुड को हमेशा प्रायोरिटी दी है, ये उनका कहना था एकता कपूर का तारीफ में करिश्मा के लिए। तो करिश्मा वाकई में जब अपने बेटे कियान को जन्म देने से पहले प्रेगनेंसी के दर्द को झेल रही थी, उस वक्त उनके एक्स हस्बैंड संजय ने उन्हें ड्रेस लाकर दी थी और कहा था कि वो ड्रेस के वो कैरी करे। फिर ड्रेस को जब करिश्मा ने कैरी नहीं किया तो उनकी सासू माँ ने उन्हें काफी ज्यादा ताने मारे। संजय कपूर ने भी उन्हें बुरे तरीके से सलील किया। करिश्मा ने इस बारे में एक इंटरव्यू में जानकारी दी थी। अगर माने उस इंटरव्यू की, उस वायरल इंटरव्यू की, तो तलाक के 4 साल बाद आपको बता दें अगर करिश्मा आज अपनी लाइफ को सेल्फ डिपेंडेंट होकर पूरी तरह से एंजॉय कर रही है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत है जो कि उन्हें इसके लिए हमेशा प्रेरणा देती है कि फिर चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किल घड़ी आए, कभी भी खुद को किसी के आगे झुकने ना दो, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कम तवज्जो ना दो। और इसी कारण से करिश्मा ने हस्बैंड से तलाक के बाद कभी भी अपने बच्चों की कस्टडी अपने नाम कराने के बाद उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया और एक माँ के साथ साथ पिता होने का फर्ज भी उन्होंने तलाक के 4 साल बाद और अब भी निभाया है। जी हाँ दर्शकों, ये था हमारा बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम करिश्मा कपूर को लेकर, उनकी पास्ट सीक्रेट को लेकर, उनकी कॉन्ट्रोवर्शियल मैरिज को लेकर, और तो और तलाक से पहले उनके उस तकलीफ के बारे में हमने बात की जो उनके बेटे कियान के जन्म से पहले की तकलीफ थी। वाकई में एक अच्छी माँ होने का फ़र्ज करिश्मा ने हमेशा निभाया, लेकिन एक अच्छे हमसफर की तलाश में हमेशा उन्हें नाकामी मिली। फिलहाल लेंगे दोस्तों यही इजाज़त। बॉलीवुड की हर खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।